हो रही थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य पर सभी लोगों के प्रति उनका जो समर्पण गरीब कमजोर तबका के लोगों के प्रति था और उनके द्वारा जो बिहार के अंदर माहौल खड़ा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सात दलों के गठबंधन का एक भ्रम की स्थिति बनाया था उस पर मुहर लगने का था और गोपालगंज में भी मुहर लगा, मोकामा में भी। जब माननीय नीतीश कुमार जी जदयू के दल से उनके उम्मीदवार लड़े थे तो 37,000 वोट से हारे थे और आज भारतीय जनता पार्टी अकेले 16,000 पर सिमटा दिया, 63,000 वोट प्राप्त करके माननीय नीतीश कुमार जी के साथ सात दलों के गठबंधन महागठबंधन चुनाव हार गया। नोकामा में महागठबंधन की सरकार चुनाव नहीं जीती है, वहां छोटे सरकार अनंत बाबू व्यक्तिगत अपने काम और जेल जाने के सहानुभूति के बदौलत जीते हैं। संदेश मकामा का साफ है, प्रशासनिक गड़बड़ी अराजकता प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग के बावजूद भी वहां की जनता बीजेपी पर विश्वास की है और उसका परिणति है कि आज 63,000 वोट लाके जीत के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ जनता के भावनाओं का जनादेश का सम्मान करती है। मोकामा गोपालगंज के जनता के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आगे जो बिहार की जनता के मन के अंदर की भाव है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करे इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के साथ हम कदम बढ़ाएंगे, अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाहन करेंगे।